राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 और मतगणना का दौर शुरू हो चुका है। जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों के लिए गिनती का काम अब शुरू हो चुका है। सबसे पहले यहाँ बैलेट से मतपत्रों की गिनती हो रही है और सबकी नजर यहाँ जोधपुर की हॉट सीट माने जाने वाली सरदारपुरा विधानसभा सीट पर है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव मैदान में हैं। हालांकि जो शुरुआती रुझान आए हैं उसके अनुसार अशोक गहलोत बढ़त बना चुके हैं और दूसरी जो सीट है वह यहां लोहावट की सीट है, जहां गजेंद्र सिंह खीवसर भारतीय जनता पार्टी से ताल ठोके हुए हैं। इसके अलावा राजनीतिक दिग्गज परिवारों के 2 सदस्य और तीसरी पीढ़ी भी इस बार चुनाव मैदान में है। ओसिया से दिव्या मदेरणा है तो लूणी से मलखान सिंह के पुत्र महेंद्र विश्नोई भी यहां चुनावी भाग्य का फैसला उनका आज होना है। तो कुल मिलाकर के जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों पर कहीं द्विकोणीय मुकाबला है तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबला, तो कहीं कहीं निर्दलीय भी अपनी ताल ठोके हैं। सहयोगी बाबूराम के साथ रंजन दवे, BTS न्यूज जोधपुर।